एवरीवन, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि 26 जुलाई 1831 को हमारे देश की शान ताज महल को अंग्रेजों के द्वारा बेचा जा चुका था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए समझते हैं। एक्चुअली जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे देश की बहुत सी अमूल्य चीजों को बेच दिया था और उन्हीं में से एक है ताजमहल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसके लिए कोलकाता के न्यूज़पेपर में एक टेंडर भी जारी किया था। एंड हैरान कर देने वाली बात यह है कि अंग्रेज ताजमहल को तोड़कर इसके पत्थर को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे और इसी के लिए सब चीजों को किया गया था। एंड आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि न्यूज़पेपर में टेंडर के रिलीज होने के बाद ताजमहल को मथुरा के एक सेठ लक्ष्मी चंद ने 70,000 की बोली लगाकर खरीद भी लिया था। लेकिन जैसे ही ये चीज दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लंदन की असेंबली में सभी मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया कि ताजमहल की ऑक्शन को यहीं रोक दिया जाए एंड लक्ष्मी चंद्र के पैसों को वापिस कर ताजमहल को जैसा है वैसे का वैसा ही रख दिया जाए। एंड एट लास्ट तब जाकर ये सारा मैटर सोल्व हुआ था।